हेलो फ्रेंड्स, दस्तरखाने वारसिया में आपका स्वागत है। मैं शाहिदा वारसिया नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन का दही चिकन भुना हुआ। तो इसे हम बिना पानी डाले बनाएंगे, तो आप मेरा पूरा वीडियो देखें तो आपको समझ में आएगा ये कैसे बनता है। तो चलते हैं बनाने। यहाँ पर हमने आधा किलो ये चिकन लिया हुआ है, बहुत छोटे पीसेस में हमने इसको कट किया है। और इसी में हम डालेंगे ये, इसमें हमने 6 हरी मिर्चें और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा और 7-8 जो है लहसुन की कलियां जो है बिना पानी के मिक्सी में चला ली हैं इस तरह से दरदरा सा। और इसी में डालेंगे ये आधा चम्मच से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा नमक, और ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, बस। और ये डालेंगे दही, खूब सारा दही डालेंगे इसमें। अगर मैं इसको वजन में बताऊं तो ये कम से कम 300 ग्राम तक दही है जो मैंने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसे मिला लेंगे। अच्छे से इसको मिला के दही में ये पूरा लपट जाना चाहिए, इतना दही डालना है। देखिए आप कितना अच्छे से ये हो गया है, पूरा दही में पूरा मिक्स हो गया है। इस तरह से इसको लगा दिया हमने। अब इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रख देंगे ताकि ये सब मसाले अच्छे तक अंदर मिल जाएं। ये देखें ऐसे। तेल गरम हो गया है और ये मैंने एक प्याज मीडियम साइज की बारीक काट के डाल दी है। इसे धीरे धीरे भून लें, हल्का गुलाबी रंग होने तक के इसे भूनना है। यहाँ पिंक हो गई हमारी प्याज और इसमें हम पूरा मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे जिसे हमने अभी 1.5 घंटे तक के रखा हुआ था ये मैरिनेट के लिए। अच्छे से नीचे ऊपर कर लें और इसे स्लो आंच पे इसे पकने देंगे। ये अपने आप में ही गल के रेडी हो जाएगा, तब हम इसे खोलेंगे। यहाँ पर देखिए भूनते भूनते इस स्टेज पे आए हैं, इसे पूरी तरह सुखाना है हमें, तो अभी और पकने देते हैं। पूरियाँ तैयार हैं, ये इसी के साथ हम खाने वाले हैं। तो अब ये हो गया है, तो मैं इसमें कसूरी मेथी डाल दी है थोड़ी सी। देखिए अच्छा सा भुन गया है, थोड़ा देर और 5 मिनट और भुनेंगे। नमक मिर्च भी सही है, चटकदार बना है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है खाने की। थोड़ा देर और 5 मिनट पका लेते हैं। पूरी तरह से भुन चुका है, तो अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून दूध का ये पाउडर डाल रही हूँ, मिल्क पाउडर, और बस इसे हम मिला लेंगे अच्छे से। तो तो 5 मिनट के लिए और करते हैं। ये देखें इतनी एक मुट्ठी जितना मैंने ये तरबूज के सीड्स हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे ऐसा पीस लिया है सूखा बिना पानी डाले, और इसे भी मैं इसी में डाल दूँगी। तो देखिए ये भुनते में ये डालेंगे तो इससे बहुत सोदा बनाता है खाने में।
तो ऐसे ही भूनते भूनते पकाना है। यहाँ पे थोड़ा सा प्याज और शिमला मिर्च को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो ये चिकन हमारा भुन चुका है, पूरी तरह से एकदम रेडी है। खूब अच्छी खुशबू आ रही है। इसी में हम डाल देंगे ये तड़का सब्जियों का, शिमला मिर्च और प्याज का, और एक स्लाइस डाल देंगे ये चीज की। और डाल देंगे हरा धनिया। तब हमारा चिकन तैयार हो गया है, अब हम इसे सर्व करेंगे। वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। नमक मिर्च तो हमने आपको बता ही दिया था कि एकदम परफेक्ट हो गया है, ये भुना हुआ चिकन जैसा बनता है। चीज भी मिक्स हो गई अच्छे से। तो अब हम इसे सर्व करते हैं, नया फ्लेम बंद कर दिया है। और हम इसे खाएंगे पूरियों के साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे ये दही चिकन देखिए तैयार है, जिसे हमने सिर्फ भूनकर ही पकाया है। और इसे मैंने आपको ये सर्व करके दिखा दिया है कि इसे पूरी से हम खाएंगे। आप चाहे तो नान से खाएं, पाव से खाएं। और ये बनाने के तरीके में आपने देखा, बिल्कुल पानी नहीं पड़ा था, सिर्फ भूनते हुए पक्का है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।